साहब जी, अब देखना मैं आपकी जिंदगी में कैसे आग लगाता हूँ। मेन साहब, ये देखो साहब का कोट, इस पे लिपस्टिक के निशान है। मुझे तो लगता है साहब कहीं चुम्मा लेके आए हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? नौकर है, नौकर की औकात में रह। मेन साहब, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, और ये तो लिपस्टिक के निशान है, और ऐसी शेड तो आपके पास है ही नहीं। बहुत हो गई है तेरी बकवास, चुप कर। और पता नहीं मेन साहब, साहब किस किस से बातें करते रहते हैं, बाबू, सोना, जान, पता नहीं उनको तो शर्म भी नहीं आती है। अब बताओ मेन साहब, मैं कहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ? बाकी आपकी मर्जी। चुप रहे विनोद, विनोद जल्दी आओ इधर। क्या हो गया सपना, क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ, ये निशान कहाँ से आए? ये निशान दिखा मुझे। छोड़ो इसे, मुझे चुपचाप जवाब दो कि ये निशान आखिर कहाँ से आए। बस यही बचा था, बीवी को तो टाइम दिया नहीं जाता, बाहर जाकर इधर उधर मुंह मार रहे हो तुम। ये कोट तो मेरा है ही नहीं, ये कोट पे निशान कहां से आए रामू? इससे क्या बात कर रहे हो, मेरे से बात करो। और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये कोट तुम्हारा ही है। और रही बात इस लिपस्टिक की, तो इस लिपस्टिक की शेड तो मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे चुपचाप बताओ कि आखिर इस कोट पे ये निशान कहां से आए। समझ गया, सब समझ गया, ये जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ना, इसने लगाया इस कोट पे ये निशान। बंद करो अपनी बकवास, ये लड़की है जो इस कोट पे लिपस्टिक के निशान लगाएगा। और तुम रात रात भर किससे फोन पे लगे रहते हो? सब कुछ बता दिया मुझे रामू ने। और अब देखना, अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाऊंगी, तुम्हारे सारे घर वालों को बताऊंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो। अरे सपना, मेरी बात तो सुनो, और ये देखो कितनी चालाकी से मेरी तरफ देख रहा है। आज सुबह मैंने इसे चोरी करते हुए पकड़ लिया था, वो तो मेरे फोन पे कॉल आ रहे थे तो मैंने इसे छोड़ दिया। ए, क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब। तेरे को तो मैं बाद में बताता हूं, और उसी चीज का बदला ये मुझसे ले रहा है। रामू इधर आ और मेरी तरफ देख, और मुझे सच सच बता, ये सब तूने किया है ना साहब को फंसवाने के लिए? अरे इससे क्या पूछ रही हो, मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, इसी ने किया है। अरे मेन साहब, 100 रुपए की तो बात थी, मैं 100 रुपए के चक्कर में आपका रिश्ता थोड़ी ना तुड़वाऊंगा। इसका मतलब तूने चोरी की है? फिर तो ये बात भी पक्की है कि इस कोट पे लिपस्टिक के निशान तूने ही लगाए होंगे। मैं बोल रहा हूं ना, इसी ने किया है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो। रामू तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती। और क्या इसीलिए मैं तुम्हें अपने गांव से यहाँ लाई थी? हाँ हाँ मेन साहब, आपने कौन सा एहसान कर दिया, आप सिर्फ 5,000 रुपए तो देते हो मुझे, इसमें मेरा खर्चा भी नहीं चलता। आते वक्त तूने मुझसे सिर्फ ये कहा था कि तुझे पैसों से मतलब नहीं है, तुझे सिर्फ शहर देखना है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत करोगे। आते वक्त तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें बस शहर आना है, तुम्हें शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखनी है, सिर्फ यही रीजन था कि मैं तुम्हें गांव से यहां लेकर आई थी। देख लिया अपने लाड़ प्यार का नतीजा, ये सिला दिया इसने, और इसे अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ हाँ विनोद, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अभी बुलाती हूँ मैं पुलिस को। रुको सपना, पुलिस को बुलाने की जरूरत है, मैं खुद लेके जाता हूँ इसे पुलिस थाने।